नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज दिनांक 15 जून 2021, शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण समाचार इस प्रकार हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का आज जारी होगा इवेल्युएशन क्राइटेरिया। बिना आवेदन पुरस्कार राशि नहीं मिलेगी, 10 जुलाई तक आवेदन का मौका। गार्गी पुरस्कार में रुचि नहीं दिखा रही बेटियाँ, अभी तक 22,000 ने नहीं किया आवेदन। आरपीएससी वेटरनरी ऑफिसर के 900 पदों के लिए इंटरव्यू के अनलॉक होने का इंतजार। भर्ती हो तो 2002 से खाली पड़े बैकलॉग के 84 पद भरने का विकल्प भी खुलेगा। इंजीनियरिंग एजुकेशन कोविड-19 की वजह से तकनीकी शिक्षा अभी केवल तकनीक के भरोसे, न साइट विजिट, न रियल लैब में प्रैक्टिकल। केमिकल व सिविल ब्रांच सबसे अधिक प्रभावित। विद्या संबल योजना, पीएचडी छात्रों को मिलेगा 25 अंकों का फायदा। नेशनल चैंपियन स्कूल को 25 लाख व विद्यार्थियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपये। फिट इंडिया मूवमेंट। बिजली कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन रीओपन, लेकिन राजस्थान जीके अंक भार पर कन्फ्यूजन। लोन गुरु, कोविड ने स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई व्यवस्था को प्रभावित किया है। भले ही पढ़ाई ऑनलाइन हो, एडमिशन मिला है तो ले सकते हैं एजुकेशन लोन। भास्कर खास, 13 जुलाई तक आवेदन। 8 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। केरल के इडुक्की जिले के चाय बागानों वाले इलाकों में 2000 से ज़्यादा बच्चे परेशान। रोज 12 किमी दूर जाकर नेशनल पार्क में पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि इनके इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। पढ़ाई को प्रभावशाली बनाने के लिए यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नया ड्राफ्ट बनाया। यूजीसी का प्रस्ताव, स्टूडेंट खुद तय करें क्या और कब पढ़ना है, एग्जाम कब देना है, डिग्री भी खुद डिजाइन करें। नवाचार, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री यूट्यूब और कॉलेज साइट पर होंगी अपलोड। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक, स्टूडेंट्स के लिए व्याख्यानों के वीडियो और पीडीएफ नोट्स का तैयार होगा डाटाबेस। विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्रांक पढ़ने के लिए 21 जून को वेबसाइट खोली जाएगी। सभी को सत्रांक समय पर भेजने होंगे ताकि परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी ना हो। आरबीएससी ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सत्रांक मांगे। 21 से 28 जून तक ऑनलाइन सत्रांक भरने की प्रक्रिया। बिना परीक्षा प्रमोट नीति, जिले में 1वीं से 12वीं तक के 2,72,000 और 631 और कॉलेज के 3,500 स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट। कॉलेज में एडमिशन के लिए 10वीं के अंक बनेंगे आधार, क्योंकि 11वीं 12वीं में बिना परीक्षा ही प्रमोट हो गए स्टूडेंट्स। बीएसटीसी संघर्ष समिति आज सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम देगी ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई पहल, 14 जून से शुरू होगी सुविधा। विद्यार्थियों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, अब ऑनलाइन हो सकेगा बोर्ड के दस्तावेजों में संशोधन। प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षकों को इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार। 3 साल में तैयार किया बगीचा, कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स के जन्मदिन पर लगाते हैं पौधा। अब यह 300 से ज़्यादा पौधे। सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज के मुख्य द्वार पर स्थित बगीचा अलवर। कॉलेज परीक्षा को लेकर जल्द हो फैसला, सौंपा ज्ञापन डीडवाना। रीट भर्ती 2017 की वैधता बढ़ाकर राहत देने की मांग, शिक्षक संघ रेस्टा। सीबीएसई की ओर से आज जारी हो सकता है इवेल्यूशन का क्राइटेरिया कोटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबोधक के 5,000 पदों को वरिष्ठ प्रबोधक के तौर पर क्रमोन्नत किया। दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान। एएमयू ने यूजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। जयपुर इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में बड़े बदलाव की तैयारी। पेंशन रेगुलेटरी पीएफआरडीए कर रहा उपभोक्ताओं के हित में संशोधन की तैयारी। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड के अंक निर्धारण का मामला। 12वीं प्री बोर्ड, 11वीं व 10वीं बोर्ड के नंबरों के आधार पर मिल सकते हैं नंबर। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर विचार। जयपुर होम्योपैथी व प्राकृतिक चिकित्सा के विभागीय कर्मियों को बड़ा फायदा। कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड में 10% पद भरे जाएंगे इन कर्मियों से। सेल्फ स्टडी से सिखाने पाई सफलता। अभी है पटना में उप निर्वाचन पदाधिकारी। शादी के 17 साल बाद ग्रेजुएशन किया, फिर बीपीएससी क्वालिफाई कर बनी अफसर। 1वीं से 12वीं के 9 लाख दिव्यांग बच्चों के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने समर्थ प्रोजेक्ट तैयार किया। इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। विद्या संबल योजना, पीएचडी छात्रों को मिलेगा 25 अंकों का फायदा। चयन के लिए रहेंगे कुछ मापदंड, पुरस्कार के अंक भी मिलेंगे। विश्वविद्यालय के सिरदर्द बनी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। घर बैठे मिलेगी कैरियर और कॉलेज चुनने की सुविधा। सीबीएसई ने सुझा 113 कैरियर विकल्प। मिल सकती है 41,000 कॉलेजों की जानकारी। 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला जल्द आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर पढ़े लिखे और घर पर सीखें नन्हे हाथ कलम के साथ जागरूकता अभियान प्रारंभ। अभियान में होगी कोविड के दौरान निराश्रित एवं बाल श्रमिक बच्चों की पहचान। व्याख्या था भर्ती पद कटौती के विरोध में वर्चुअल धरना। विज्ञान गणित विषय के तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने सौंपा ज्ञापन डीपीसी करवाने के लिए हुई बात। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र के लिए 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। इंजीनियरिंग में घटी युवाओं की रुचि, छात्राओं का उच्च शिक्षा में रुझान।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट। खेल विभाग का दावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, चिकित्सा विभाग का भर्ती पर लॉकडाउन, सीएचओ में खेल कोटे में चयनित 160 खिलाड़ियों को नहीं मिली नौकरी। जज्बा स्टाफ और ग्रामीण मिलकर 37 बीघा जमीन को बना रहे खेल मैदान, नामांकन कम होने की वजह से बंद हुआ था स्कूल, ग्रामीणों ने नहीं मानी हार, अब नामांकन 280 पार। फीस के अतिरिक्त 50,000 तक सालाना खर्च, आमदनी घटी और खर्चा बढ़ा, दोहरी मार, स्कूल कॉलेज तो गए नहीं, शिक्षा का खर्च हो गया दोगुना। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित, 17 के आधार पर मिलेंगे नंबर, उपस्थिति न अर्धवार्षिक परीक्षा, कैसे देंगे 17 अंक। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने दिए निर्देश, टूर में उपस्थिति दर्ज करेंगे फील्ड में लगे शिक्षक। अब हर ब्लॉक में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। विरोध, रीट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता पर आक्रोश, दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड। इधर कंप्यूटर शिक्षकों ने जलाई डिग्री की कॉपी। एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी उत्तरमाला के साथ। आर्थिक तंगी में घर वालों से रुपया नहीं मांग सकते, सरकारी संबल भी हुआ बंद। कोरोना काल में घर वालों के काम धंधे ठप, भत्ता बंद कर सरकार भी ढा रही बेरोजगारों पर सितम। बेरोजगारी भत्ता बंद होने से अजीब भंवर में फंसे बेरोजगार। 5,000 पद वरिष्ठ प्रबोधक में क्रमोन्नत किए जाएंगे। 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया पर नहीं सौंपी अभी तक रिपोर्ट। 25 जुलाई के आसपास हो सकती है JEE मेन। 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव आना बाकी। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार को 2,000 करोड़ से अधिक की मिली सहायता। विधवा महिला और अनाथ बच्चों के लिए नई योजनाओं का प्रारंभ। परीक्षा नहीं तो फीस नहीं, इसलिए बोर्ड फॉर्म भरने वाले सभी विद्यार्थियों को तत्काल फीस लौटाए वासुदेव देवनानी। 20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरे थे, 130 करोड़ रुपये बोर्ड को मिले थे। मॉडल स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के लिए साक्षात्कार के परिणाम का इंतजार। 24 व्याख्याताओं का तबादला, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। प्रदेश में जल्द होगी वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना, सरकार की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अब मुख्यमंत्री स्तर पर होगा मंथन, रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की पहल। संस्कृत के अंदर छिपा है खजाना। कॉलेज शिक्षा विभाग की एक और शुरुआत, ऑनलाइन लाइव सेशन। प्रदेश के छात्र कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी। 19,000 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़े, ज्ञान सुधा कार्यक्रम की शुरुआत, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। कॉम्बो पैकेट का वितरण, संस्था प्रधानों के लिए बना सिर दर्द, और निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश लेने वाले बच्चों को नहीं मिल रहे, अभिभावक कर रहे हैं परेशान। 1.5 साल के कोरोना काल के बाद 40 स्कूलों के 870 बच्चों की कॉपियां भास्कर ने, कैलीग्राफी एक्सपर्ट हरिशंकर बालोटा से जचवाई, नतीजे चौंकाने वाले। लिखावट तो खराब हुई ही, कॉपियां लिखने में भी समय दोगुना लग रहा। ऑनलाइन पढ़ाई में बिगड़ी लिखाई, 5वीं तक के सबसे ज्यादा 42% बच्चों की हैंड राइटिंग खराब। अब योग व प्राकृतिक चिकित्सक होंगे तैयार, 778 शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को मंजूरी। सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती परीक्षा, राजस्थान जीके से जुड़े 36 अंक के 36 प्रश्न आएंगे। परीक्षा का अंक भार जारी, अब तक 2,25,000 अभ्यर्थी कर चुके आवेदन, 21 जून है अंतिम तारीख। इसी के साथ होते हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण समाचार समाप्त। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।